Co-powered by Techno. देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन थर्ड एडिशन है ये हम लोग।
इसके आयोजन के पीछे की सोच एक ऐसा प्लेटफॉर्म फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर स्टेक होल्डर को देने का है, जहां पे सब एक मंच पर आकर एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें, बिजनेस डील्स कर सकें। इसका उद्देश्य फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आने वाले दिनों में और मजबूती देना, राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के प्रोडक्ट्स की, भारत के ब्रांड्स की पहचान को सशक्त करना है। मुझे खुशी है इस बार जिस तरीके से अलग अलग देशों ने इस आयोजन में उत्साह अपना दिखाया, जिस तरीके से उनका पार्टिसिपेशन रहा, भले वो वेरियस कंट्रीज हों, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री हों, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो इससे कंसर्न रही हैं, उन्होंने भी इसमें अपना मजबूत पार्टिसिपेशन उन्होंने दिया है। ऐसे में मैं ये मानता हूं फूड प्रोसेसिंग भारत का भविष्य है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, और खासतौर पर भारत जैसा देश जो कि कृषि प्रधान देश है, जहां पे हमारे अन्नदाता हमारे देश की रीढ़ है, न सिर्फ इस सेक्टर को मजबूती देने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो बल्कि नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी इस इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इसको मजबूती मिलेगी जैसे जैसे ये सेक्टर और मजबूत होगा। मैं मानता हूं वर्ल्ड फूड इंडिया के इस एडिशन से आने वाले दिनों में इस सेक्टर को कई लाभ हम लोग को देखने को मिलेंगे। इस इवेंट के माध्यम से कल हम लोगों की सीईओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी थी, इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री के बीच में किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, उनकी कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान सरकार निकाल सकती है उसमें कहीं किसी तरीके की देरी या कमी ना रहे, इसका भी हम लोगों ने प्रोएक्टिव प्रयास किया है। मैं मानता हूं ओवरऑल ये चार दिनों का जो ये इवेंट है, इसके अंत में इससे जो डिलीवरेबल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे वो इस सेक्टर को और मजबूती देने की दिशा में ही। YSR सीपी मूव्स हाईकोर्ट ओवर द तिरुपति लड्डू चार्जेस। वेल दैट्स फाइन बिकॉज उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, सो डेफिनेटली उन्होंने न्यायालय की शरण में वो गए होंगे। इवेंचुअली अगर कहीं पे भी इस तरीके का कुछ भी गलत रॉन्ग प्रैक्टिसेस अगर हुए हैं, मिलावट हुई है, किसी तरीके से भी गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये सोच सरकार की क्लियर है। को पावर्ड बाय टेक्नो।